मैं सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, पूरा देश, पूरे सुशांत जी के जो फैंस है, ये जानना चाहते हैं कितने साल हो गए अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्या कुछ कारण है? 4 साल हो गए हैं अभी तक. 2014 जून 2020 में ये हुआ था और ये 4th ईयर है एंड वी आर स्टिल होपिंग, प्रेइंग, प्लीडिंग टू नो व्हाट द ट्रूथ इज. जस्टिस के लिए डिमांड कर रहे हैं. एक्चुअली हो सकता है कि यू नो सीबीआई इज ट्राइंग टू गेट टू इट फ्रॉम एवरी एंगल, सारे एंगल से देखना चाहते हैं केस को, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है. बट अब हम लोग के पेशेंस का सीमा आ गया है. वी वॉन्ट टू नो वॉट हैज हैपेंड. हम यहाँ देख रहे थे काफी लोग अपने अपने व्यक्तित्व दे रहे थे जिनमें उन्होंने खुल के बताया है कि ये जिंदा दिल इंसान थे और ये ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, और सबने अपने अपने बयान दिए. क्या सीबीआई वाले जो कि इतने माहिर होते हैं ऐसे लोगों की बात नहीं सुनते हैं? देखिए, एक जिन्होंने ये बोला कि वो जान दे कैसे सकते हैं, उन्होंने तो कितनों में जान फूंक दी है. इस तरह के इंसान थोड़ी ना जान दे सकते हैं. दैट वाज सो ट्रू, दैट वाज सो वेरी ट्रू. आई डोंट नो कि सीबीआई क्यों नहीं सुन रही है, क्यों इतना टाइम ले रही है, बट वी आर वेरी होपफुल. इसीलिए उनको बुलाया ही गया था. होप था हमें, तभी उन्हें बुलाया था कि वो लोग हमें बताएंगे कि सच्चाई क्या है, क्या हुआ था. क्योंकि देखिए, हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स तो हैं नहीं, हम जाके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं. उनके पास इतने सारे एविडेंस हैं, उनको पता है कि उनका कहाँ कहाँ फ़ोन गया था, सुशांत को कहाँ कहाँ फ़ोन गया था. वो अगर सच में प्रोजेक्ट्स डिसाइड कर रहे थे डायरेक्टर्स के साथ आगे चल के कि क्या करने वाले हैं वो, तो वो किस तरह से अपना जान ले सकते हैं? तो ये सब बताया जाए हम लोग को, बहुत टाइम हो गया है. अगर हमारे दर्शकों को बता सके, आज काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है? हमने एक्चुअली पूजा की भाई के शांति के लिए, जस्टिस के लिए भगवान से प्रार्थना की कि अब हमको पता चले कि क्या हुआ था भाई के साथ. और फिर हमने महामृत्युंजय जाप किया और फिर यहाँ पे सब लोगों को एक स्पेस दिया कि वो अपने भावनाओं को व्यक्त कर सके हम सबके सामने. अच्छा, एक चीज़ तभी बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े एक्टर, इतने नामी एक्टर जो रूट लेवल से, जमीनी लेवल से ऊपर तक आए, फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी इंसान सपोर्ट कर रहा है क्या? नहीं, कोई भी नहीं है. फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी नहीं सपोर्ट कर रहा है. क्या कुछ कारण हो सकता है? क्यों? क्योंकि ये कारण हो सकता है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो है बाहर से आए थे, कोई स्टार के लड़के नहीं थे, ये ऐसा कुछ कारण है, या फिर वो करना ही चाहते, इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते? इसमें मुझे लगता है एक तो पहले कि भाई ऑफ कोर्स आउटसाइडर था, कोई भी नहीं था यहाँ पे उसका गॉडफादर. एंड मोर ओवर आई थिंक कि अभी जो फिल्म इंडस्ट्री है, कोई इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं. एंड अगर वो पढ़ते हैं तो एक तरीके से जो SSRNs है वो बहुत गुस्सा है इस पूरे फिल्म इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से बहुत गुस्सा है. बॉलीवुड की कोई मूवीज चलती नहीं है आजकल बिकॉज ऑफ यू नो व्हाट SSR स्टूड फॉर. एंड SSR के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, इसलिए बॉलीवुड से तो सारे SSRNs गुस्सा हैं. अगर हमारे दर्शकों कुछ आप बोलना चाहे तो कुछ बोलना चाहे, मैसेज देना चाहे. हाँ, एक मैसेज है मेरा. एक तो पहले कि अगर हम लोग साथ एकजुट होके जस्टिस के लिए नहीं डिमांड करेंगे तो कोई नहीं सुनने वाला है हमें, कोई नहीं सुनने वाला है. तो वी हैव टू स्टैंड टुगेदर, वी हैव टू कम अप, लाइक राइज अप एज अ फोर्स एंड रियली डिमांड जस्टिस. अभी जो भी गवर्नमेंट फिर से फॉर्म हुई है हमारी, और यू नो वी हैव बीन वेरी होपफुल बीजेपी से, तो बहुत ज़्यादा होप्स रखे हुए हैं हमने कि वो बताएंगे हमें कि क्या हुआ था मेरे भाई के साथ. और एक और चीज़, हमें भाई की लेगेसी आगे बढ़ानी है, और उनकी जो आत्मा में जो सच्चाई थी, जो प्योरिटी थी, उसको आगे लेके चलना है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो जिस चीज़ के लिए भाई रिप्रेजेंट करता था, जिस चीज़ को भाई रिप्रेजेंट करता था, वो संसार में, वो दुनिया में आज बहुत रिक्वायर्ड है.
वो पॉजिटिविटी, वो प्योरिटी जो आई थिंक मिसिंग है आजकल के जमाने में, वो उस तरह का था बंदा जो अगर किसी एक कैंसर हो गया था एक 3-year-old को, ही रैन टू हिज हाउस उसके लिए टॉयज खरीद के, उसको चॉकलेट्स दे के, उसको खुश करके, नागालैंड फ्लड में, केरला फ्लड में इस तरह से डोनेट किया उसने, कितना कुछ करना चाहता था वो, विमेन एम्पावरमेंट के लिए कितना कुछ करना चाहता था। हमें उसको जीना है ताकि वो अच्छाई का वेव आगे बढ़ता रहे इस संसार में। लास्ट क्वेश्चन फिदा जी, आप यहाँ पर अभी इंडिया में ही रहो या फिर यू आर लाइक बाहर हो और आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, क्या है, किस तरह से? आई लिव इन कैलिफोर्निया एंड लास्ट टाइम भी फरवरी में आई थी मैं, फिर गई थी यूएस, फिर आई हूँ इस स्पेसिफिकली इसी इवेंट के लिए आई हूँ एंड देन आई एम गोइंग बैक, आई एम फ्लाइंग बैक ऑन 24th of June। तो इसे दिक्कतें आती है कि आप वहाँ पर हो लेकिन यू नो अगर आप कुछ करना चाह रहे हो जो चीज को मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए तो यू आर लाइक अवे फ्रॉम इंडिया? करेक्ट करेक्ट, तो ये कुछ आई कीप कमिंग बैक हियर अगेन एंड अगेन। थैंक यू, थैंक यू। आप इतने साल हो गए न्याय नहीं मिला है, आप लगातार न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ कारण है जो न्याय नहीं मिल रहा है और किस प्रकार शायद न्याय मिलेगा जो आपके जहन में है, कुछ बताना चाहें? देखिए न्याय नहीं मिला इस बात का बहुत दुख है, बट किस प्रकार से मिलेगा, जैसे अभी हम कह रहे हैं सुशांत के जस्टिस के लिए डिमांड करते हैं, हम ग्राउंड पर आते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, उस प्रकार से मिलेगा जब हमारी आवाज़ पहुँचेगी CBI तक और एजेंसीज तक, वो आप भी पहुँचा सकते हैं सब मीडिया, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मीडिया पहुँचा सकती है वहाँ तक आवाज़। देखिए न्याय मिलना ज़रूरी है, टाइम कितना भी लगे पूरा न्याय मिलना चाहिए, यही मेरी CBI से रिक्वेस्ट है कि अभी तो 4 साल हो गए, बहुत जल्दी आए आप, फास्ट ट्रैक कीजिए केस को और न्याय दीजिए सुशांत को। जैसे मैं कुछ दिखाना चाहूँगा, अगर आप इस सब को देखें तो ये है कुछ फैक्ट्स इन द पब्लिक डोमेन, ये कुछ फैक्ट्स है पब्लिक डोमेन में जो बताते हैं सुशांत के केस के सच को। मेरा सवाल CBI से ये है कि जब पब्लिक डोमेन में इतने सारे फैक्ट्स हैं तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? पर कुछ एक्सप्लेनेशन है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, इनको प्रूफ भी करना रहता है, राइट, वी हैव टू प्रूव दिस थिंग ऑल्सो। तो पर ये फैक्ट बताते दिस केस इज ऑफ मर्डर, वो अपनी जान खुद नहीं दे सकते, जो हमने सुशांत की सिस्टर ने भी कहा, हम भी कहते हैं दैट ही कांट टेक हिज ओन लाइफ, तो क्वेश्चन तो दैट इज द फैक्ट्स राइट इन द पब्लिक डोमेन। हम वहाँ पे जाते हैं, डिमांड करते हैं जस्टिस की, सोशल मीडिया से तो हर दिन करते हैं पर हर मंथ हम करते हैं नियर 14th, और आज 14 जून 2024, 4 साल के बाद हम यहाँ पर आए बिकॉज ऑफ श्वेता सिंह कीर्ति दी, सुशांत की फैमिली यहाँ पर आई, इट वॉज मोर इम्पैक्टफुल एंड बहुत इम्पैक्टफुल है, बट इट्स वेरी गुड दैट यू ऑल आर हियर, और हर जगह से हो रहा है, ऑल ओवर द कंट्री एवरीवेयर सुशांत इज बीन रिमेम्बर्ड टुडे एंड जस्टिस की डिमांड हो रही है। तो ये कुछ फैक्ट्स आप पढ़ सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं, मैं जो कहने की जरूरत नहीं, लेगेचर मार्क, पैनल, बेड हाइट, विटनेसेस, एवरीथिंग इंडिकेट्स एंड कवर अप, एवरीथिंग इंडिकेट दिस केस इज ऑफ मर्डर। सो लास्ट रिक्वेस्ट, जस्ट 1 मिनट, दैट सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की ये रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द जस्टिस दीजिए, जल्द से जल्द न्याय दीजिए सुशांत को, वो हमारा भी न्याय होगा, और इट्स अ साथ जस्टिस इज अवर जस्टिस, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, दैट्स अवर रिक्वेस्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव फुल फेथ इन मोदी जी, वी हैव फुल फेथ इन सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, शुरू करें? हां जी, सुशांत जी के एक मिनट में आई नहीं मतलब दो मिनट के आदमी का फास्ट, चलो आप लोग थोड़ा अटेंशन यहाँ रखिए, डोंट टॉक प्लीज, डोंट टॉक, वन सेकंड सर, वन ऑल 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 विद द फोल्डिंग।